लास्ट वीडियो में हमने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा था, आज मैं कुछ आपको अल्टरनेटिव फॉर्म्स दिखा रही हूँ डीएनए की, या आप कह सकते हो डीएनए की जितनी भी फॉर्म्स हैं उनके बीच में हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं। देखिए अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ डीएनए, डीएनए लगभग इतने डिफरेंट टाइप के हमें देखने को मिले, ठीक है, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए एंड जेड डीएनए। नॉर्मली जो डीएनए हम पढ़ते हैं वो है बी डीएनए, ठीक है, इनको हम अल्टरनेटिव फॉर्म भी कह सकते हैं, और मैंने उनके बीच में कंपैरिजन बताया है कि इनके बीच में क्या कंपैरिजन, क्योंकि मैं आपको स्ट्रक्चर पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डीएनए, देखिए कंडीशन कि किस कंडीशन में कौन सा सर्वाइव कर रहा है और उस कंडीशन में वो हमें वहां पर मिलता है। बेस पेयर पर टर्न, मैंने आपको कहा था जैसे कि हमने बी डीएनए की बात करी थी, बी डीएनए की खासियत है उसकी पूरा एक टर्न होने में, ठीक है, तो वहां पे 10 बेस पेयर होते हैं, ठीक है, तो बाकियों का भी बेस पेयर मैंने यहाँ पर डिनोट किया है। रोटेशन पर बेस पेयर, रोटेशन का मतलब है मैंने आपको बताया था एडेनिन थाइमिन के साथ और गुआनिन साइटोसिन के साथ जब क्या करती है आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करती है, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन करती है, तो मैंने बताया था कि ये 36 डिग्री पर करते हैं, ठीक है ना। लेकिन अलग अलग जो है हमारे डीएनए उनमें जो बेस पेयर आपस में बाइंड हो रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से, तो उनकी जो रोटेशन है वो भी डिफरेंट है, उसी की बेसिस पर क्या हो रहा है उनका टर्न कि वो राइट हैंडेड है या लेफ्ट हैंडेड है। वर्टिकल राइज पर बेस पेयर, वर्टिकल राइज मतलब याद कीजिए हमने ऐसे बेस पेयर बनाए थे और इनके बीच में मैंने आपको डिस्टेंस बताया था 3.4 एमस्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, जैसे कि हम पढ़ते हैं बीडीएनए तो 3.4, ठीक है, तो वही इन्होंने यहाँ पर उस चीज को शो किया है। हेलिकल डायमीटर, हेलिकल डायमीटर मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है, कि कितने पर हमने बताया था 20 डिग्री एमस्ट्रॉन्ग, तो 20 एमस्ट्रॉन्ग पर वो क्या कर रहा था पूरा उतना एरिया उसने ऑक्यूपाई किया हुआ था, मतलब वृत्त जो हमारी डीएनए की थी। तो उसी बेसिस पर ये कंपैरिजन मैंने इन 5 डीएनए अल्टरनेटिव फॉर्म जो हमारी डीएनए की हमें प्रेजेंट है उनके बीच में की है। फर्स्ट है ए डीएनए, ये डीएनए 75% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जैसे कि उसमें आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा प्रेजेंट होती है। देखिए एक तो ह्यूमिडिटी प्लस आयन की स्ट्रेंथ या कंसेंट्रेशन ज्यादा प्रेजेंट है। ये 11 बेस पेयर लगभग, जैसे उसमें 10 थी लेकिन इसमें 11, ये जब बाइंड करता है टी ए के साथ या जी सी के साथ तो उनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल 32.7 है और ये राइट हैंड शो करता है। राइट हैंड का मतलब देखिए ये राइट हैंडेड, ये वाला लेफ्ट हैंडेड, ठीक है, तो ये वाला क्या शो कर रहा है राइट हैंडेड शो करता है। दो बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है 2.56 एमस्ट्रॉन्ग और जो इनकी ब्रिथ है वो कितनी है 23 एमस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट है बी डीएनए, बी डीएनए मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझाया था, बी डीएनए लगभग 92% रिलेटिव ह्यूमिडिटी में पाया जाता है, साथ में लो आयनिक कंसेंट्रेशन। अगर इन दोनों में हम कंपैरिजन करें तो ये हाई आयनिक कंसेंट्रेशन में, ये लो आयनिक कंसेंट्रेशन में। यहाँ 11 बेस पेयर थे एक टर्न में, यहाँ पर 10 बेस पेयर है एक टर्न में। यहाँ दो जब आपस में न्यूक्लियोटाइड बाइंड होते हैं तो उनके बीच में 32, लेकिन यहाँ पे 36 डिग्री का था, ठीक है, यहाँ पर इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 3.38, इसको हमें 3.4 भी लिख सकते हैं, और 20 एंगस्ट्रॉन्ग, लगभग 19 पॉइंट समथिंग है, दैट्स व्हाई 20 एंगस्ट्रॉन्ग इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है सीडीएनए, सीडीएनए 66% रिलेटिव ह्यूमिडिटी प्लस सिर्फ लिथियम आयन की कंसेंट्रेशन में ही ये आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो बेस पेयर है पूरे टर्न को कंप्लीट करने में 9.33, दो बेस पेयर जो आपस में बाइंड हो रहे हैं डबल बोन या ट्रिपल बोन से 3.8.38.6, ये भी राइट हैंडेड है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 3.32 और ये इनकी जो ब्रिथ है वो 19 एंगस्ट्रॉन्ग। फिर बात करेंगे हम डी, डी एक ऐसा डीएनए का अल्टरनेटिव फॉर्म है जो कि बहुत रेयर देखने को मिलेगा। देखिए इट रियली एन एक्सट्रीम वेरियंट, ये बिल्कुल हटकर है बाकियों से। वेरिएंट का मतलब वही है कि उनकी अलग अलग, जैसे हमने अल्टरनेटिव फॉर्म्स बताई हैं, तो डी इन सबसे बिल्कुल डिफरेंट है। कैसे, यहाँ पर देखिए एक बेस पेयर है राइट हैंडेड है, हमें नहीं पता कि इन दोनों के न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में कौन सा एंगल की फॉर्म हो रहा है। ये वाला बेस पेयर जो इनके बीच में डिस्टेंस है वो 3.0 है और उनकी विड्थ भी हमें नो आइडिया, क्योंकि वो वेरियंट है।
दो चीजों का मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसलिए हमें उसका कुछ भी इतना ज्यादा नॉन प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट है जेट डीएनए। जेट डीएनए एक सिंगल ऐसा डीएनए है जो लेफ्ट हैंडेड है, बाकी जितने भी डीएनए है हमारे वो राइट हैंडेड पाए गए हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंडेड ये जो हमारा जेड डीएनए ये जिगजैग फॉर्म में ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, इसलिए उसको नाम भी जेड दिया गया है। वेरी लाइट सॉल्ट कंसेंट्रेशन, सॉल्ट की हल्की सी कंसेंट्रेशन वहां पे प्रेजेंट होनी चाहिए। यहाँ पर जो बेस पेयर है एक टर्न में वो 12 बेस पेयर पाए गए हैं, और ये लेफ्ट हैंडेड है, ये -30 जो दो बेस पेयर आपस में बाइंड करते हैं, ठीक है, तो उनमें वो -30 क्या कर रहा है उस पर बाइंडिंग करता है, इसलिए ही ये लेफ्ट हैंडेड पाया गया है। ठीक है, और दो बेस पेयर के बीच में यहाँ पर 3.7.71 एमस्ट्रॉन्ग का डिस्टेंस प्रेजेंट है, और इनके बीच में इनकी जो वृत्त है कितनी है 18 एमस्ट्रॉन्ग पाई गई है। तो इस तरह से ये डीएनए की डिफरेंट डिफरेंट क्या है अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं और उनमें कुछ कंपैरिजन है। मेनली ये थ्री आपको लगेगा लगभग लगभग एक जैसे हैं, बट डी बिल्कुल मैंने आपको बताया वेरिएंट है, बहुत ही एक्सट्रीमली रियली मिलता है। इसके अलावा जेड का बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जेड इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ये जिगजैग कंडीशन में है, और लेफ्ट हैंडेड क्यों है ये बहुत पूछा जाता है। तो आप बताएंगे लेफ्ट हैंडेड इसलिए है क्योंकि जब टी ए के साथ या जी सी के साथ बाइंड करता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में, तो जो एंगल की फॉर्मेशन हो रही है वो -30 डिग्री पर हो रही है, जिसकी वजह से ये राइट हैंड ना होकर किसमें है लेफ्ट हैंडेड होता है। ठीक है, डीएनए इज मच मोर पॉलीमॉर्फिक। पॉलीमॉर्फिक मतलब इसकी मॉर्फोलॉजी अगर आप देखेंगे तो देखिए डिफरेंट डिफरेंट नजर आ रही है ना, इसलिए डीएनए कैसा है एक पॉलीमॉर्फिक देन एक्सपेक्टेड, जो कि हमारे लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड चीजें थी। ठीक है, हमारी पहले से बाहर थी। ठीक है, तो डीएनए कैसा स्ट्रक्चर है एक पॉलीमॉर्फिक, मोर देन वन मॉर्फोलॉजी शो करता है। थैंक यू क्लास।